हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, यदि आप देख YouTube क्रिएटर हैं और YouTube चैनल चलाते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दोस्तों, YouTube 30 मार्च को यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार नए अपडेट लेकर के आया है। और दोस्तों, यकीन मानिएगा, यदि आप अभी नए YouTube क्रिएटर हैं और आपने नया ही चैनल स्टार्ट किया है तो इन अपडेट की वजह से यकीनन आपका चैनल ग्रो होने वाला है। यदि आप ओल्ड YouTube क्रिएटर भी हैं तब भी आपको इन चारों ही अपडेट से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आखिर चारों ही अपडेट क्या है उन्हीं के बारे में आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना, यानी कि आपको वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आप अच्छे से समझ सके और आप इन फीचर्स का फायदा भी उठा सके। तो आखिर चारों ही अपडेट क्या है, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव राणा और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज किसी को नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जी आर। तो दोस्तों, अपडेट की जानकारी देने से पहले मैं चाहूंगा, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर देना, और जो मेरे भाई अभी चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आकर चारों ही अपडेट क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर वन अपडेट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो अपडेट है वो मेंशंस को लेकर के है। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ध्यान समझना फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मानिए कोई बड़ा यूट्यूब क्रिएटर है, ठीक है, और वो किसी भी छोटे यूट्यूब क्रिएटर की मदद करना चाहता है, यानी कि छोटे यूट्यूब क्रिएटर का चैनल है वो ग्रो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वो बड़ा यूट्यूब क्रिएटर क्या करता था, उसकी वीडियो का या फिर चैनल का लिंक लेकर के और अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया करता था, यानी लगा दिया करता था, ठीक है फ्रेंड्स। अब होता क्या था, जो उस बड़े क्रिएटर की ऑडियंस है वो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करती थी, तब जाकर उसके लिंक पर क्लिक करती थी, फिर छोटे क्रिएटर के चैनल पर जाती थी, जब वहां से उसकी वीडियो को वॉच करती थी। अब यूट्यूब ने यहाँ पर ये सब झंझट खत्म कर दिया। अब यहाँ पर यूट्यूब ने मेंशन का नया ऑप्शन ऐड कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूं, पहले जो फीचर था ना मेंशन वाला, आपको 10,000 सब्सक्राइबर मिलता था। उसके बाद यूट्यूब नया अपडेट लेकर आया, आपको 1,000 सब्सक्राइबर मिलने लगा। उसके बाद यूट्यूब फिर से अपडेट लेकर आया, यूट्यूब ने कहा कि अब नए चैनल जिनके 0 सब्सक्राइबर है, अभी नए क्रिएट हुए हैं, उनको भी कम्युनिटी टैब मिल जाएगा, यानी कि फीचर मिल जाएगा, वो भी मेंशन कर सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा क्या होता है यहाँ पर, आप वो समझते रहना। अब देखिए, मान लीजिएगा आप किसी भी बड़े यूट्यूबर के साथ कोलाब करते हैं या फिर आप किसी बड़े यूट्यूब क्रिएटर से मिलते हैं और आप उनके साथ वीडियो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब वो वीडियो आप अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपने जिस यूट्यूब क्रिएटर के, यानी बड़े यूट्यूब क्रिएटर के साथ वो वीडियो बनाया है या फिर कोलाब किया है, तो फ्रेंड्स आप उन्हें अपने वीडियो के टाइटल में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी भी बड़े यूट्यूब क्रिएटर के चैनल को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टाइटल में मेंशन करेंगे तो फ्रेंड्स, मेंशन करने के साथ ही उनका जो चैनल का नाम है ना, उन बड़े यूट्यूब क्रिएटर का, वो ब्लू कलर में हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे ही आप उसे मेंशन कर देते हैं किसी बड़े यूट्यूब क्रिएटर के चैनल को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर वीडियो के टाइटल में, तो फ्रेंड्स आपका जो वीडियो है ना, इसको यूट्यूब उस बड़े यूट्यूब क्रिएटर के ऑडियंस के सामने भी रिकमेंड करता है। उस बड़े यूट्यूब क्रिएटर की जो ऑडियंस है आपके वीडियो को यहाँ पर वॉच करती है, वॉच करेगी तो यहाँ पर फ्रेंड्स उनको भी आपका वीडियो पसंद आता है, वो आपकी वीडियो को देखेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे यही फायदा होता है कि आपके यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और आपके चैनल की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती जाती है। और फ्रेंड्स, साथ ही सेम वैसे ही मान लीजिए कोई भी बड़ा यूट्यूब क्रिएटर आपके हेल्प करना चाहता है और उसको लगता है कि भाई इस क्रिएटर ने ये वीडियो मेरे लिए बनाया है, मुझको लेकर के ये वीडियो बनाया है, तो फ्रेंड्स वो भी आपके चैनल को अपने चैनल की कम्युनिटी में या फिर वीडियो के टाइटल में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकता है। यदि वो बड़ा यूट्यूब क्रिएटर मेंशन करेगा आपके चैनल को, तो फ्रेंड्स उसकी जो वीडियो अपलोड होगी तो उसके ऑडियंस के पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और उसकी जो ऑडियंस है वो उस वीडियो को वॉच करेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे वो क्लिक करेगी ना, वहां पर आपका चैनल मेंशन कर रखा होगा उस बड़े यूट्यूब क्रिएटर ने, तो वो क्लिक कर दे सीधे आपके चैनल पर आ जाएगी वो ऑडियंस, और उस ऑडियंस को भी आपका चैनल यदि पसंद आता है या फिर आपकी वीडियोज पसंद आती है तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपकी वीडियोज को वॉच करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेम इससे भी वही कंडीशन है कि आपका जो चैनल है वो ग्रो होता चला जाएगा। अब चलिए यहाँ पर नंबर दो अपडेट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नंबर दो जो अपडेट है ये आपके स्टोरीज को लेकर के। देखिए, मान लीजिए जब आप लाइव स्ट्रीम करते हैं और जब आप लाइव स्ट्रीम करेंगे तो आपकी जो ऑडियंस है या फिर यूट्यूब यूजर्स जो भी होते हैं उन्हें ये नहीं पता लग पाता है कि भाई लाइव स्ट्रीम कौन चैनल कर रहा है, किस पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसको देखते हुए यूट्यूब ने एक नया अपडेट किया। अब जब भी आप लाइव स्ट्रीम करेंगे, आपकी जो ऑडियंस है या फिर कोई यूट्यूब यूजर्स और आपने लाइव स्ट्रीम शुरू कर रखा होगा, तो फ्रेंड्स आपके चैनल का जो लोगो है ना, उसका एक सर्कल बना जाएगा, यानी कि उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना जाएगा रेड कलर का और नीचे लाइव लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिससे क्या है, आपकी ऑडियंस हो या फिर कोई भी यूट्यूब यूजर्स हो, वो वहां पर गए तो उन्हें यदि ये सिंबल दिख जाता है आपके चैनल के लोगों के ऊपर रेड कलर का गोला बना हुआ, लाल रंग का गोला सर्कल बना हुआ, तो फ्रेंड्स वो समझ जाएंगे कि भी ये चैनल लाइव स्ट्रीम कर रहा है, तो फ्रेंड्स वो सीधे उस पर क्लिक करके आपकी लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और चलिए अब यहाँ पर नंबर तीन अपडेट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर नंबर तीन जो अपडेट है ये आपकी वीडियो कमेंट को लेकर के। देखिए, कभी कभी होता क्या है, जैसे आप यूट्यूब पर देखते हो या फिर कुछ बड़े क्रिएटर हैं आप उनकी वीडियो देखते हो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो कि आपको गंदा गंदा कमेंट करते हैं, अब्यूज वर्ड लिखते हैं, कुछ गलत गलत बात लिखते हैं जो कि आपको पसंद नहीं आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉकिंग को लेकर के है।
जैसे कि आप मान लीजिए किसी चैनल को ब्लॉक कर देते हो तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आता है। तो फ्रेंड इसी तरीके से मान लीजिए कोई भी आपकी वीडियो को देखता है और वो आपकी वीडियो पर अब्यूज कमेंट करता है, गंदे कमेंट करता है, गलत कमेंट करता है, आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो फ्रेंड्स आप उन्हें यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। और जैसे आप उसको ब्लॉक कर दोगे तो फ्रेंड्स उस यूजर ने यदि पहले भी आपको ऐसे गंदे कमेंट किए होंगे तो फ्रेंड्स वो सभी 48 घंटे के बाद हाइड हो जाएंगे। और यदि वो आगे ऐसे कमेंट करना चाहेगा तो फ्रेंड्स गंदे कमेंट उससे नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया फीचर है, यदि कोई भी आपको गंदे कमेंट करता है तो आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, उस कमेंट आपके पास तक नहीं आ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा अपडेट तो ये था। चलिए नंबर 4 अपडेट की बात यहाँ पर कर लेते हैं। फ्रेंड्स चौथा जो अपडेट है यहाँ पर ये वीडियो रिपोर्टिंग को लेकर के, मान लीजिएगा आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो और आपको कोई वीडियो ऐसा दिख जाता है जो कि आपत्तिजनक है या फिर समाज की दृष्टि से वो सही नहीं है और वो गलत वीडियो है जिससे कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है और आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उस वीडियो पर रिपोर्ट कर देते हो। फ्रेंड्स जब आप रिपोर्ट कर देते हो तो आपको ये तो पता नहीं लगता कि आखिर ये वीडियो कहाँ गया, यूट्यूब से टेक डाउन किया नहीं किया, यूट्यूब इस पर क्या रिस्पॉन्स लिया, तो आपको नहीं पता लगता था। लेकिन अब यूट्यूब ने यहाँ पर ईमेल द्वारा सूचना भेज देगा कि यूट्यूब ने उस वीडियो के साथ क्या किया है, यानी कि उसको टेक डाउन किया है या नहीं किया है या फिर उस वीडियो में क्या था, क्या चीज थी, सभी कुछ यूट्यूब आपको ईमेल द्वारा बता देगा, जैसे कि आप ये पता लगा सकते हो कि हमने इस वीडियो पर रिपोर्ट किया था, ये वीडियो सही नहीं है, तो यूट्यूब ने इस पर क्या एक्शन लिया है, तो आपको ईमेल द्वारा सब कुछ पता लग जाया करेगा। तो फ्रेंड्स यही थे चारों अपडेट, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।